जय श्री कृष्णा दोस्तों, जायका जिंदगी का में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आंवले के अचार की रेसिपी। आंवला तो वैसे भी आप सभी को पता है कि हमारी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए और हेयर के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। आंवले को हमें अपने डाइट में किसी न किसी रूप में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आज हम जो आंवले का अचार बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाती है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आंवले का अचार बनाने के लिए मैंने आधा किलो आंवले लिए हैं और उनको अच्छी तरह से धो लिया है। 2 चम्मच राई ली है, 3 चम्मच नमक, 1 कटोरी सरसों का तेल, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ ही सौंफ, अजवाइन और मेथी दाना को लेकर उनको हल्का सा भून लिया है और उनका एक दरदरा पाउडर बना लिया है। ये मैंने 2 चम्मच लिया है। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया है। इसमें हम आंवले डाल देंगे और उनको सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। पानी में बॉयल आ जाएगा तब हम इसे ढककर रख देंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। आंवलों को गलने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। आंवलों को बॉयल होते हुए अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं आंवले सॉफ्ट हुए या नहीं। ये देखिए आंवले सॉफ्ट हो गए हैं। जब आंवले सॉफ्ट हो जाते हैं तो ये इस तरह से अपने आप ही सीड से अलग हो जाते हैं। हमें इन्हें इतना ही पकाना था। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और आंवलों को ठंडा कर लेते हैं। आंवले ठंडे हो गए थे। हमने सभी आंवलों में से बीज निकाल दिए हैं और इनके स्लाइसेस कर लिए हैं। साथ ही हमने गैस पर सरसों का तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल अब गर्म हो गया है और इसमें से धुआं निकल रहा है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और तेल थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तेल अब थोड़ा ठंडा हो गया है। सबसे पहले हम इसमें राई ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें आंवले डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, सौंफ, अजवाइन और मेथी दाने का पाउडर और नमक भी ऐड कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि आंवलों के साथ सभी मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से मिल जाए। ये लीजिए, हमारा आंवले का अचार खाने के लिए तैयार है। वैसे तो आप इसे इस वक्त भी खा सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन में ये खाने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। आंवले का अचार आप ज़्यादा क्वांटिटी में मत बनाइए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आप इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। और आप इसको ग्लास के जार में रखिए। जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए और जब भी आप इसे निकालें किसी सूखे चम्मच से ही निकालें। आप भी आंवले का अचार बनाइए और इसके हेल्थ बेनिफिट्स का मज़ा लीजिए।